नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से बड़ी जीत दर्ज की है। पार्टी ने 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे और सभी के खाते में जीत आई। समाजवादी पार्टी के 3 कैंडिडेट्स थे, लेकिन एक को हार का मुंह देखना पड़ा। पार्टी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को वोट दे दिया। क्रॉस वोटिंग से ही बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को जीत मिली, जिसे बीजेपी विपक्षी विधायकों की अंतरात्मा की आवाज बता रही है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार अमरपाल मौर्य को 36 वोट मिले, आरपीएन सिंह को 34, साधना सिंह को 34, संजय सेठ को 29, संगीता बलवंत बिंद को 36, सुधांशु त्रिवेदी को 38 और तेजवीर सिंह को 38 वोट मिले। वहीं नवीन जैन को 34 वोट मिले। वहीं सपा उम्मीदवार जया बच्चन को 41 और रामजी लाल सुमन को 37 वोट मिले हैं। पार्टी के आलोक रंजन को हार का मुंह देखना पड़ा, जिन्हें बताया जा रहा है कि सिर्फ 16 वोट ही मिले। चुनाव में सबसे ज्यादा वोट सपा कैंडिडेट जया बच्चन के खाते में आए। आज यूपी पुलिस को सीएम योगी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री 3300 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। 148 निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। इसके अलावा 1523 थानों में साइबर सेल का उद्घाटन, 57 जिलों में साइबर क्राइम थानों का उद्घाटन होगा। वहीं 18 मंडल्स में भ्रष्टाचार निवारण संगठन थाने बनाए जाएंगे। प्रयागराज और कुशीनगर में पर्यटन थाने का उद्घाटन होगा। आपको बता दें कि लोक भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के साफ निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके कई जगह पर सरकार और मुख्यमंत्री की मंशा पर पलीता लगाने के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जालौन से आया है, जहां परिवहन विभाग पर सीएम के निर्देशों का कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। जिले में सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड ट्रक सड़कों पर फर्राटे भर रहे हैं, जिससे जिले की सड़कें ध्वस्त होती जा रही हैं। वहीं परिवहन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जानकर भी अनजान नजर आ रहे हैं। कार्यवाही के नाम पर जिले का परिवहन विभाग तमाम दावे कर रहा है, लेकिन जमीनी तौर पर देखा जाए तो टेम्पो ऑटो का चालन करते हुए विभागीय अधिकारी खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ट्रकों को सुरक्षित जिले की सीमा से बाहर निकालने के लिए बकायदा एक सिंडिकेट काम कर रहा है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। जिले में ओवरलोडिंग को लेकर एआरटीओ प्रवर्तन राजेश कुमार का कहना है कि जिले में 2 एआरटीओ एक आईटीओ मिलाकर 3 दल कार्य कर रहे हैं। सड़कों पर जो भी ओवरलोड वाहन पाया जाता है, उस पर कार्यवाही की जाती है। लगातार इस तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सामने आई हैं, जहां ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो होती है, बावजूद इसके ऐसे ही ट्रक ओवरलोड करके सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं और कई बार इन्हीं वजह से हादसों के शिकार भी ये ट्रक होते हैं, तो कभी आम लोगों को ओवरलोडिंग का खामियाजा भरना पड़ता है। ओवरलोड ट्रकों से कई बार हादसा होने की खबरें भी सामने आ चुकी हैं और ये ताजा मामला जालौन से आया है, जहां ओवरलोडिंग होने की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस खबर पर अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राजकुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार, जिस तरह से लोगों का आरोप है कि पूरे जिले में ओवरलोड ट्रक दौड़ रहे हैं, क्या फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले में कार्रवाई करने का कोई आश्वासन दिया गया है? जी किरण, मैं आपको बता दूं कि जनपद जालौन में परिवहन विभाग द्वारा कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। ओवरलोड का खेल लगातार जारी है जनपद में, चारों तरफ ही ओवरलोड का खेल जारी है। परिवहन विभाग द्वारा, कोई भी खनिज विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। जी किरण जी, क्या प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आश्वासन सामने आया है और ये कब से इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस बारे में कोई जानकारी है? जी मैं आपको बता दूं, ये आरोप तो लगातार लगते रहते हैं, लेकिन कोई भी, कभी कभार ही अभियान चलाया जाता है, लेकिन कोई भी अंकुश नहीं लगाई जाती इसको लेकर। कभी भी तब जब भी खबरें प्रकाशित की जाती है, तभी हाल फिलहाल में किया जाता है, उसके बाद में वही चीज सामने आ जाती है, वही लगातार फिर से खेल जारी किया जाता है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजकुमार।
बांदा पुलिस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 7 जुआरी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने जुए की फट से ताश के पत्ते सहित 1 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए हैं। वहीं 13G एक्ट के तहत समूह बनाकर गैम्बलिंग को कंट्रोल करने की धारा में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि पुलिस की कार्यवाही से सट्टा और जुआ कारोबारियों में खलबली मची हुई है। ये मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के तिंदवारा गाँव का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। थाना मक्खनपुर पुलिस और एसओजी को एक बार फिर से चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है, जहां मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पुलिस को देखते ही फरार होने लगे और इस दौरान फायरिंग भी की। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। इस दौरान मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में चलाई गई गोली से एक आरोपी घायल भी हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्टीगढ़ चौराहे पे चेकिंग कर रही थी, उस समय एक बाइक पे 2 व्यक्ति सवार थे और उस बाइक को रोककर चेक करने का प्रयास किया गया। और रुके नहीं, भागे और उन लोगों ने हमारे टीम पे अटैक भी किया। हमारी टीम की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई और उसमें कुछ दूर जा करके वो बाइक लड़खड़ा के गिरी। वहाँ पर पहुँचने के बाद देखा वहाँ पर एक जो बदमाश था वो भागने लगा, एक वहीं गिरा पड़ा था। हम लोगों ने तत्काल जो गिरा था उसको उठाकर यहाँ से हॉस्पिटल भिजवा दिया और जो भाग रहा था उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम पीछे कॉम्बिंग करने लगी, उसको भी दौड़ा के पकड़ लिया गया। मैनपुरी में बेवर कस्बे के बस स्टैंड चौराहे का जल्द ही सौंदर्यीकरण होने वाला है। चौराहे पर अगले कुछ ही दिनों में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जहां सोमवार को नगर पंचायत ने काम का श्री गणेश भी कर दिया। जेसीबी मशीन ने मूर्ति लगने वाले स्थान पर निशान लगाकर खुदाई शुरू कर दी, जिससे आसपास के लोगों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिली। वहीं इस मौके पर चेयरमैन सरितकांत भाटिया ने बताया कि सदर चौराहे पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगने वाली है। वहीं माँ शारदा कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन का निर्माण करेगा। इसके अलावा मूर्ति उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। चौराहे पर हम सबके जो अंतरणी हैं पृथ्वीराज चौहान, उनकी मूर्ति की स्थापना का यहाँ पर प्रस्ताव है और सौंदर्यीकरण के तहत उनके देवर चौराहे पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति की स्थापना की है। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट, बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल।
इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं, विकास प्रोडक्शन.gfx@gmail.com।